तो गेमर्स के आप लोगों को पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन फ्री फायर के अंदर किसके पास है? ऑफ कोर्स राज गेमिंग जोन, यानी कि मेरे पास ही है। तो इससे पहले ये रिकॉर्ड था वो था ज्ञान गेमिंग, ज्ञान भाई के पास था, उनके पास 30 लाख अराउंड गोल्ड कॉइन था। लेकिन रिसेंटली उनका कोई रिलेटिव स्ट्रीम कर रहा था और लगातार 4 लाख गोल्ड कॉइन उसने वेस्ट कर दिया, तो ज्ञान भाई का अभी हो चुका है 25 लाख गोल्ड कॉइन। उस हिसाब से नंबर वन इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन तुम्हारे भाई के पास ही है। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कॉइन आप लोग कैसे इकट्ठा कर सकते हो और मैंने कैसे इकट्ठा किया। आप लोग मेरा गोल्ड कॉइन देख सकते हो, 26 लाख प्लस मेरे पास गोल्ड कॉइन है। तो मैंने इतना ज्यादा कैसे इकट्ठा किया, तो आज की वीडियो में उसी पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन मेरे पास है ऐसा मुझे लगता है। अगर आपने किसी और क्रिएटर को देखा या किसी और को देखा है जिसके मेरे से ज्यादा गोल्ड कॉइन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बता सकते हो। और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग मेंशन करोगे तो सबसे पहले जो 10 बंदे मेंशन करेंगे उनको 100-100 रुपए का रिडीम कोड दे दूंगा मैं, जिससे वो लोग अपने एयरड्रॉप बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरे से ज्यादा गोल्ड कॉइन होने चाहिए। अब बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कॉइन हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो मैं एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे एक महीने के अंदर आप लोग 1.5 लाख गोल्ड कॉइन ले सकते हो। 1.5 लाख, 1,50,000 गोल्ड कॉइन आपको मिलेगी, ऐसी ट्रिक बताता हूँ। तो उसके लिए सिंपली गैना फ्री फायर रिसेंटली एक इवेंट लेके आया है जिसके अंदर पूरे महीने के लिए ये इवेंट रहेगा। और इवेंट के अंदर आप लोग गोल्ड देखो, गोल्ड कितने आप लोगों को मिल रहे, दिन के 3,000 गोल्ड आप लोगों को मिल रहे। अगर आप लोग पूरे मंथ के लिए लूटोगे तो 1,20,000 गोल्ड कॉइन आप लोगों को एकदम फ्री में मिल जाएगा। सिंपली इसके लिए आपको दिन की 16 गेम खेलनी पड़ेगी। 16 गेम जल्दी से जल्दी खेलने के लिए आप लोगों को लॉन वॉल्फ खेलना है। लॉन वॉल्फ जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा और 3,000 डेली मिलता है। और ये एक महीने का इवेंट है, उस हिसाब से 1,20,000 गोल्ड कॉइन हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है, मतलब ऐसे दिन गैना बहुत कम लेके आता है। लेकिन साथ में कुछ ऐसे इवेंट भी लेके आता है जिसके अंदर हमारे सभी गोल्ड वेस्ट हो जाते हैं। तो मेरे पास तो ये सभी रिवॉर्ड पहले से होते, तो मेरा तो कोई भी गोल्ड कॉइन वेस्ट नहीं होता है, तो मेरा इसलिए पड़ा है। तो मेरा इतना ज्यादा मैंने इकट्ठा कैसे किया, तो इसके लिए सबसे पहला मेरा जो मकसद है वो एकदम क्लियर से है कि जो मैं गोल्ड कॉइन इकट्ठा करता हूं उसको वेस्ट नहीं करता, उसकी वजह से मेरा इतना इकट्ठा हुआ। तो मैं इकट्ठा कैसे करता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास गोल्ड ईएक्सपी कार्ड होता है। तो गोल्ड ईएक्सपी कार्ड मुझे 50% आप लोग देख सकते हो 1 साल प्लस का मेरे पास फ्री में पड़ा हुआ है। तो ये कहाँ से फ्री में मिलता है, तो ये मिलता है आप लोगों को बडी मार्ट टोकन से मिलेगा, साथ में रैंक टोकन से मिलेगा। 20 टाइम आप लोग बाइक कर सकते हो, तो उसको सीधा 20x3 कर देना 60, 2 महीने के लिए आप लोगों को वहां से मिलेगा। वापस जैसे 2 महीने के बाद नया रैंक सीजन आएगा, वापस आप लोग बाइक कर पाओगे, तो वहां से आप लोगों को अनलिमिटेड टाइम के लिए मिल जाएगा। लेकिन आपको ये 50% गोल्ड कॉइन से फायदा क्या होगा, तो सिंपली मेरा 50% गोल्ड कॉइन एक्टिव है और इसको एक्टिव करने के बाद मैं कोई भी गेम खेलूंगा। तो सिंपली हम कोई भी गेम खेलते हैं, उसके बाद बैक आओगे तो आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन आप लोग नॉर्मली अगर जाते हो बिना कोई ईएक्सपी कार्ड लिए तो आप लोगों को 500 मिलता है, लेकिन आपके पास 50% ईएक्सपी कार्ड होगा तो आपको 250 और मिलेगा, यानी कि 750 अराउंड गोल्ड आपको मिलेगा, 750 अराउंड गोल्ड मिलेगा। और इसको भी आप लोगों को इंक्रीज करना है तो फिर आपको 100% ईएक्सपी कार्ड लेना पड़ेगा। 100% ईएक्सपी कार्ड आप लोगों को गोल्ड का मिलेगा, वो मिलेगा बुया पास के अंदर से, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं। गरीना उसमें भी एक लिमिट सेट करके रखा है, मतलब आप लोग कोई भी ईएक्सपी कार्ड नहीं यूज करोगे गोल्ड का, तो आप लोग जैसे गेम खेलोगे 10 गेम खेलोगे तो आपको 500-500 मिलेगा। मतलब जो उसका लिमिट गरीना फ्री फायर ने रखा है वो रखा है फिक्स करके, मतलब एकदम सेट करके रखा है कि आपको 1,000 गोल्ड ही दिन का फ्री में मिलेगा। आप कितना भी गेम खेलो, अगर आप 1 गेम खेलोगे तो 500 कॉइन मिलेगा, लेकिन आप 20 गेम खेलोगे तो 1,000 कॉइन आपको मिलेगा, मतलब गोल्ड 1,000 आपको मिलेगा। लेकिन 21वां गेम खेलोगे तो आपको 0 गोल्ड मिलेगा, मतलब गोल्ड मिलेगा ही नहीं। तो दिन का 1,000 का लिमिट रहेगा। अगर आप 50% कार्ड यूज करते हो तो 1,500 की आपकी लिमिट हो जाएगी। तो उसी हिसाब से अगर आप लोग दिन के 10 गेम दिन की खेलते हो तो भी 45,000 आप लोगों को मंथली गोल्ड कॉइन यहाँ से मिल रहा है। 45,000 गोल्ड कॉइन आप लोग सिंपली ले सकते हो और 1,20,000 गोल्ड कॉइन वहाँ से मिल रहा है। तो 1,60,000 प्लस गोल्ड कॉइन अभी की मंथली मिल रहा है। तो आप लोगों के पास कितना गोल्ड कॉइन है कमेंट करके जरूर बताना और मैं इसी हिसाब से गोल्ड कॉइन लेता हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।